So today our lecture will be on Poisson's identity. हमारी बुक में जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं एफ गेंटमैकर और एनालिटिकल मैकेनिक्स की है, उसमें हमारे पास ये बात लिखी गई है कि पॉइजन ब्रैकेट जहाँ शुरुआत करी है उसने टॉपिक की, वहां वो कह रहा है ये प्रॉपर्टीज हैं 1, 2, 3, 4, 5। कहता है इनमें से 1, 2, 3 और 5 तो सीधी निकल जाती हैं डेफिनेशन से, लेकिन जो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, इसको जूम कर देते हैं, ये जूम होगा इससे जाएगा। जो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं पॉइजन्स आइडेंटिटी। तो उसके लिए स्पेशल प्रूफ चलेगा, अलग रीजनिंग है, अलग प्रूफ है। तो हम आज ये कर रहे हैं, पांच प्रॉपर्टीज हैं, पांच में से 1, 2, 3 और 5 सिंपल हैं, डायरेक्टली उस दिन प्रूव कर दी थी, बहुत आसान थी ये, लेकिन जो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है वो अब हम, उसका प्रूफ अलग है और वो अब हम कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर शुरू होता है वो है पॉइजन्स आइडेंटिटी। अब ये है क्या पॉइजन्स आइडेंटिटी? पॉइजन्स आइडेंटिटी से पहले मुझे एक बार पॉइजन ब्रैकेट की डेफिनेशन ध्यान दिलानी है। पॉइजन ब्रैकेट की डेफिनेशन जब हमने ये स्टार्ट किया था तो ये थी, क्या थी, फाई बी टी क्यू आई पी आई का फंक्शन है साई बी। तो फाई इंटू साई की पॉइजन ब्रैकेट क्या होगी, ये फाई इंटू साई है। तो इसकी पॉइजन ब्रैकेट में समेशन था आई इज इक्वल टू 1 to n। उसके बाद पहले वो फाई का लेता है विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, फिर साई का लेता है विद रिस्पेक्ट टू पी आई माइनस, फिर फाई का विद रिस्पेक्ट टू पी आई और साई का विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई। ध्यान क्या रखना है, फाई इज अ फंक्शन ऑफ टी क्यू आई पी आई, साई भी सेम ऐसे ही इनका फंक्शन है। तो ये डेफिनेशन थी पॉइजन ब्रैकेट की जो मैंने लिखी है, ये थी पॉइजन ब्रैकेट। अब पॉइजन आइडेंटिटी क्या है? पॉइजन आइडेंटिटी में वो तीन फंक्शन लेकर चल रहा है। एक फंक्शन है फाई, एक है साई और एक है काई। तो कहता है फाई साई काई, पहले मैं इनका ऑर्डर देख लूं, देखो फाई साई और काई। अगली बार क्या किया, अगली बार उसने फाई को उड़ा दिया, फाई को उड़ाते ही आपका ऑर्डर क्या बन जाएगा, जैसे इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो तो अब आप इसको छुपा दिया तो साई और काई और ये फाई बाहर। उससे अगली बार अब यहां से इस साई को हटा दो तो काई और फाई और साई बाहर। देखो मैच करो इसे, पहले फाई को हटाया तो ये बना, फिर इसमें से साई को हटा दिया काई फाई और बिल्कुल सही लिखा है। पॉइजन आइडेंटिटी कहती है कि इनका आंसर जीरो आना चाहिए। अब इस प्रूफ को करने के लिए हमने अपनी तरफ से स्टार्ट किया, एक ऑपरेटर डिफाइन किया एक्स। वो ऑपरेटर हमने कहा कि एक्स के इंटू करली एफ बाय करली एक्स के, ये स्मॉल एक्स के इसके फंक्शन है, मतलब कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वन अप टू एक्स के और ये इसके कंपोनेंट्स है। ये आपके नोट्स में देखो, उसने ऑपरेटर डिफाइन किया कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, लेकिन किस पर डिफाइन किया, एफ पर, और एफ इनका फंक्शन है। तो उसने ऑपरेटर्स जब डिफाइन किए वो डिफाइन किए एफ पर,
और एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। अब एक्स एफ ऑपरेटर उसने ऐसे कहा कि एक्स एफ ऑपरेटर है समेशन एक्स के कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स के, और के है वन से लेकर एम तक। तो यहां अगर मैं एम लगाऊं तो के मेरा है वन से लेकर और एम तक। ऐसे ही वाई ऑपरेटर डिफाइन किया गया। वाई में क्या कहा, वाई में भी सेम है, के वन से एम है, वाई के इज इक्वल टू वन टू एम, वाई के कर्ली एफ बटा कर्ली एक्स के, क्योंकि f तो उन्हीं का फंक्शन है ना, यहाँ भी f नहीं बदला, f x1 से xm का ही फंक्शन है, इसलिए यहाँ भी कर ली f बटा कर ली x। अब इतना डिफाइन करके ये ऑपरेटर्स, सबसे पहले स्टेप में वो कहता है कि हम एक नया ऑपरेटर मानते हैं z, z है एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ये ऑपरेटर गुना ये ऑपरेटर, दो ऑपरेटर्स की गुना हो रही है, ये दोनों लीनियर ऑपरेटर है क्योंकि इनमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर है। अब वो ये प्रूव करेगा कि ये भी फर्स्ट ऑर्डर वाला ही आएगा, इसका रिजल्ट भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वाला ही है, मतलब इनकी गुना जरूर हो रही है पर इसमें सेकेंड ऑर्डर नहीं आएंगे, कि दो फर्स्ट ऑर्डर अगर गुना हो रहे हैं तो उसमें सेकेंड ऑर्डर नहीं आता। क्यों प्रूव कर रहा है ये बात, वो इसलिए प्रूव कर रहा है क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं फाई और साई, उसका मतलब है कि जब इनकी गुना होगी ये फर्स्ट ऑर्डर ही रहेंगे, ये सेकंड ऑर्डर नहीं बनेंगे। तो अब हम एक्स वाई माइनस वाई एक्स पे बात करेंगे। इसको उसने क्या किया, इसको जब निकाला तो इसमें दो चार रख में आई, चार में से दो कट गई और रिजल्ट में सिर्फ सिंगल ऑर्डर वाले पार्शियल डेरिवेटिव रह गए, जो सेकेंड ऑर्डर वाले है ना कर्ली टू एफ बटा कर्ली एक्स के कर्ली एक्स एल कुछ भी बनेंगे वो कट जाएंगे। तो अब हम ये करके दिखाएंगे कि हमारा एक्स वाई माइनस वाई एक्स, एक तरह से अगर मैं एफ लगा दूं जेड के साथ, जेड एफ, तो इस पर भी एफ लग जाएगा। तो एक तरह से मैं ये दिखा रही हूं कि ये चीज लीनियर ऑपरेटर है। तो पहले हमने एक को पकड़ा, देखो दो ऑपरेटर्स हैं, अब एक्स को बाहर रहने दो, पहले वाई लगा दो एफ पर, y को बाहर रहने दो, पहले x पे लगा दो f। अब आपने y f क्या सीखा है, समेशन y के करली f बटा करली x के, ऐसे ही ये y बाहर है, ये है समेशन x के करली f बटा करली स्मॉल x के, i इज इक्वल टू वन वन टू, k इज इक्वल टू वन टू m, k इज इक्वल टू वन टू। अब इसके बाद क्या हुआ, इज इक्वल टू, अब एक्स ऑपरेटर को जब लगाया जाएगा तो अगले स्टेप में उसने क्या किया, बुक के हिसाब से दिखाती हूँ आपको, पहले मेन बुक होती है, बुक बिल्कुल सही होती है। अब बुक में क्या किया, उसने समेशन को निकाल दिया बाहर और कर लिया एफ बाय कर लिया एक्स के को भी बाहर, देखो समेशन बाहर और कर लिया एफ बाय कर लिया एक्स के दूसरी तरफ बाहर, अंदर उसने कहा एक्स लगेगा वाई के पर, ये ऑपरेटर इस ऑपरेटर पर लगेगा और वाई लगेगा एक्स के पर, ये आना चाहिए, ठीक है। इसने कुछ नहीं किया, इसने सेकंड ऑर्डर की टर्म्स काट के नहीं दिखाई बुक वाले ने। अब आपके नोट्स में क्या करता है वो, ये तो डायरेक्ट लिख दिया हमने, नोट्स में क्या किया उसने, इसको लगाया, उसने वो स्टेप एक्स्ट्रा किया, लगाकर काट कर दिखाया है। देखो ये आपके पास था, अब उसने डबल समेशन बनाई, एक जगह ये सिंगल समेशन रहा, फिर यहाँ डबल समेशन, ये सिंगल, ये डबल वाले दोनों कट गए और आपके पास सिर्फ ये बचा एक्स वाई के माइनस वाई एक्स के। तो अल्टीमेट थीम क्या है, प्रूव क्या किया, प्रूव तो यही किया कि जेड एफ यानी एक्स वाई माइनस वाई एक्स
ऑफ एफ सिंगल, तो ये हो गया हमारा एक काम। फर्स्ट स्टेप में हमने इतना ही प्रूव किया कि ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेटर है। नहीं कोई फर्क नहीं है, वो इसने लिखते हुए गलती की हुई है, वैसे एक्सेल और वाई के ही आएंगे तभी तो कैंसिल होएंगे, मिस्टेक है लिखने में, ये सेम आएगा एक्सेल और वाई के, दोनों समेशन भी सेम आएंगे, ऊपर समेशन सेम है ना, तो जब अप्लाई किया ऑपरेटर तो समेशन एल वाले ही अटैच होंगे दोनों में, ठीक है। हाँ अब इसके बाद अगर ये वाली बात ठीक है, अगर ये ऐसा भी लिख रहा है, मिस्टेक नहीं है ये, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले समेशन है के, अब हम एक्स ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो एक्स ऑपरेटर को लगाने के बाद एक्स के और वाई एल बन रहा है ना। हाँ यहाँ पर सॉरी, पहले एक्स के है यहाँ ऑलरेडी, अब वाई एल आया है, यहाँ पहले वाई के है, फिर एक्स एल आया है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ, तुम मुझसे जो पूछ रहे हो वो मैं बता देती हूँ, तुम ये कह रहे हो कि पहले समेशन है k इज इक्वल टू 1 टू m, अब आ रहा है l इज इक्वल टू 1 टू m, पहले वहां था एक्स के, अब आ रहा है वाई एम, ये वाई एल, दूसरी जगह समेशन तो सेम है ये चीज, और यहाँ है वाई का के है और एक्स का एल है, जब दोनों ही चलेंगे तो 1 से m, वो भी 1 से m चलेगा, तो अपने आप ही ये सेम हो गए ना, k और l रिप्लेसेबल हो गए आपस में, क्योंकि चलना तो इन्होंने 1 से m है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक लिख रहा है y के एक्स एल और x के y एल, लेकिन ये कट जाएंगे। ओके हाँ कटेंगे, कौन बोल रहे हो आप, क्या नाम है आपका, अजय, क्या रोल नंबर है, पढ़ रहे हो आप घर पे हैं, गुड अच्छी बात है। चलिए यहां तक होने के बाद अब हमने लीनियर ऑपरेटर तक दिखा दिया कि ये ऑपरेटर लीनियर है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, अगला स्टेप है अब हम पॉइजन ब्रैकेट को दोबारा लिखेंगे, हमारी पॉइजन ब्रैकेट मान लो फाइव एफ पे लगाते हैं, तो आप लगाओगे जो आपको दिखाई सिखाई गई थी वो थी समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n करली फाई, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n करली फाई ओवर करली क्यू आई करली एफ बटा करली टी आई माइनस करली फाई ओवर करली टी आई करली एफ बटा करली क्यू आई, ये थी। अब हम कहते हैं हम इसको एक नया नाम दे रहे हैं, ऐसे फाई के ऊपर नीचे डंडा, मतलब ऑपरेटर ऑपरेटर बना रहे हैं, यहाँ भी ये दो ऑपरेटर्स हैं, पॉइजन ब्रैकेट जब लगानी सिखाई गई थी, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि बाहर तो हम निकाल रहे हैं एफ और अंदर है करली फाई बटा करली क्यू आई करली बटा करली टी आई माइनस करली फाई बटा करली टी आई करली बटा करली क्यू आई, इसको नाम दे रहे हैं, इसका नाम है ये ऑपरेटर हमारा, ये पॉइजन ब्रैकेट फंक्शंस पे सिखाई गई थी, जब आपको पॉइजन ब्रैकेट सिखाई ना, शुरुआत हेडिंग देखो, सबसे पहले पॉइजन ब्रैकेट को ही रिमाइंड करो, ये पॉइजन ब्रैकेट है, आपके पास फंक्शन है एफ, ठीक है, और एक फंक्शन है मान लो, ये आपके पास फंक्शन है क्यू आई फंक्शन है पी आई भी फंक्शन है, तो आपने पॉइजन ब्रैकेट डिफाइन की थी यहाँ पर, फंक्शंस फंक्शंस पर सिखाई गई थी, लेकिन हम पॉइजन ब्रैकेट से ऑपरेटर बना रहे हैं, हम ये ऑपरेटर है, कैसे बना रहे हैं, हम पॉइजन ब्रैकेट का रूप बदल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये पॉइजन ब्रैकेट है और इसमें हम इसको एक नया ऑपरेटर नाम दे रहे हैं फाई के ऊपर नीचे, ये बार नोट्स में देखिए आप, ये फाई एफ पॉइजन ब्रैकेट है, ये होती थी, हमने समेशन ये सारा और एफ अलग कर दिया, एक तरह से मैं कह रही हूं
ये तो है फाई दिस और एफ बाहर है, ये ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर और फंक्शन का फर्क ध्यान से नोट कर लो। हम वी बाय द यूज ऑफ ऑपरेटर वी डिफाइन, हमने पॉइजन रैकेट को नई डेफिनेशन दे दी। पॉइजन रैकेट ये होती थी, हमने उसे ऑपरेटर के रूप में डिफाइन कर दिया। अब करेंगे क्या, अब अगला स्टेप है कि जो हमारी पॉइजन आइडेंटिटी थी पहले उसे लिखो दोबारा ताकि वो आपको याद भी हो जाए। उसमें पहले फाइ था, पहले शुरुआत पहली टर्म पता होनी चाहिए, फिर तो बाकी लिखी जाएंगी। पहली टर्म थी फाइ साई काई है ना, फिर थी, अब देखो आप ले रहे हो इसमें साई काई फाई, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ले रहे हो और पहली टर्म छोड़ रहे हो आप, दो टर्म्स बाद वाली ले रहे हो। ये वाली छोड़ के आप इन दोनों को अगर लिखते हो तो ये बराबर माइनस दिस है। पहले मैं पूरी पॉइजन आइडेंटिटी लिखती हूँ, फाई साई काई प्लस, अगली बार फाई को हटा दिया साई काई और फाई प्लस, अगली बार इस साई को हटाया तो काई फाई साई बराबर है 0। अब मैं इन दो टर्म्स को लेके चल रही हूँ और ये बराबर माइनस का। पहले मैं इन सिर्फ दो टर्म्स की बात करूंगी, साई काई और फाई प्लस काई पाई और साई, इसको कंसिडर कर रही हूँ। और ये मेरा, ये तो बन गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड, और ये होगी एक तरह से राइट हैंड साइड पे माइनस माइनस पाई सॉरी साई इंटू का, ठीक है। तो ये एलएचएस है और ये आरएचएस। हम पहले इसको प्रूव करेंगे, करेंगे क्या, रिजल्ट ये निकाल देंगे। पहले इसको दिखाएंगे कि ये लीनियर है, इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फिर उसके बाद दिखाएंगे ये सेकंड ऑर्डर में आएगी सारी पावर में। हम कहेंगे कि ये इसमें सेकंड ऑर्डर तो आ नहीं सकता, इसलिए ये 0 हो गई। इसको 0 करते ही हम कहेंगे कि हमने माना इसको हम ले गए थे राइट हैंड साइड पर, तो ये 0 हो गई। अगर हम इसको ले जाते राइट हैंड साइड पर तो ये भी 0 हो जाती, तो इस तरह तीनों 0 हो गई, तीनों अलग अलग 0 दिखाकर। और हम कह देंगे इनका सम भी क्या हो गया, 0। तो अब हम दोबारा मतलब इस प्रूफ को शुरू करते हैं। हमने कंसीडर कर लिया, पाई उड़ा चुके हैं हम, साई काई इंटू फाई प्लस साई उड़ा दिया तो पाई पाई इंटू साई। अब देखो ये सबसे पहले ऑपरेटर्स को पलट दिया। सबसे पहला काम किया, फाई को आगे ले आए तो माइनस लगाना पड़ता है हमें। अगर हम ऑपरेटर को पलटते हैं तो प्रॉपर्टी पड़ी थी कि माइनस लगेगा, ऐसे यहां भी साई को आगे ले आए। अगला स्टेप किया, इसको प्लस बनाना था, इसको प्लस बनाने के लिए इन दोनों को भी हिला दिया, फाई आगे कर दिया और काई बाद में, ये माइनस में ही रह गया। अब जो प्लस वाला होता है वो पहले लिख दिया, साई पाई काई माइनस पाई साई, ये लिख दिया, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गया। अब इसके बाद हमने अभी अभी प्रूव की है बात, इसको मैं ऊपर लिखूंगी, साई फाई काई साई पाई काई माइनस पाई साई काई पाई। अभी अभी मैंने पॉइजन ब्रैकेट की डेफिनेशन बदली थी और मैंने ये सिखाया था कि इसको हम ऐसे ऑपरेटर बना के कर सकते हैं, तो हमने वो बात यहाँ अप्लाई कर दी कि पॉइजन ब्रैकेट की डेफिनेशन कहती है कि ये ऐसे ऑपरेटर बन सकते। ये इसने ऑपरेटर बना दिया यहाँ फाइव को और यहाँ से, ठीक है। अब ये तो अंदर का हिस्सा है, ऑपरेटर बना, ये पॉइजन रैकेट है। अभी थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको एक चीज समझ लूँ,
तो ये बाहर वाला और ये भी तो पॉइजन ब्रैकेट है। कर ली साई ओवर कर ली और बाहर का ही है, तो ये हमारी डेफिनेशन है और एक समेशन लग जाता है। तो अब ये डेफिनेशन लगाई हमने, ये रहा, ये लगा दी। इसको लगाने के बाद अब हमने अगला स्टेप क्या किया, ये आई इज इक्वल टू दिस है। अगर हम ये जो चीज है इसको क्या किया, अगला स्टेप इन्होंने कर ली ओवर कर ली थी ये दिस, अच्छा हाँ वही बना दिया। ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n है ना। तो अब अगली ब्रैकेट शुरू की, मान लेते हैं ये इस टाइम एक ऑपरेटर है। आप इसको पॉइजन ब्रैकेट ऐसे समझ लो, ये तो है काई और इसका नया नाम कुछ भी रख लो ए, ए काई पर लगाओ पॉइजन ब्रैकेट। ये समेशन तो ऑलरेडी है आई इज इक्वल टू 1 to n। अगला समेशन जे लग जाएगा, जैसे इसने जे लगाया, जे इज इक्वल टू 1 to n। तो अब ए तो अपनी जगह है, काई पर जब लगा रहे हो तो समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n, वो क्या कहेगा कि पहले तो करली बटा करली क्यू जे लो, किसका ए का, और करली काई का लो बटा करली पी जे, माइनस अगली बार करली बटा करली पी जे लो ए का और करली काई बटा करली क्यू जे लो। तो वही काम किया हुआ है, ये ए है, ये इतना बड़ा ए है यहां तक, ऐसे यहां ये ए है जिसको मैं ए बोल रही हूं, ठीक है। उसके बाद करली बटा करली क्यू जे, ये सारा इसको दिखा दिया, ये तो सारे सेकंड ऑर्डर बन गए, सब में सेकंड ऑर्डर आ गया। सेकंड ऑर्डर होते ही हमने कहा कि ये तो हो नहीं सकता, हमारी लेफ्ट राइट हैंड साइड तो कहती है कि सिंगल ऑर्डर होना चाहिए, इसका मतलब ये जीरो है, सेकेंड ऑर्डर आ गए हैं। लेकिन हमने तो कहा था कि कोई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं हो सकता, इसलिए सारी टर्म जीरो है, इसका मतलब हमारी ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो है। इसी तरह से हमने ये टर्म कहाँ से निकाली थी, हमने पहली रकम यहाँ रखी, दूसरी तीसरी को हम पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी बराबर जीरो करना था, हमने इनको तो मान लिया था एल एच एस और ये हम ले गए थे आर एच एस पर। अगर मैं मान लो पहली और तीसरी को एल एच एस मानती और दूसरी को आर एच एस पर ले जाती तो वो भी जीरो आ जाती, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को रख लेती और थर्ड को उधर ले जाती, मान लो फर्स्ट और सेकंड को यहाँ रखती और थर्ड को उधर ले जाती तो वो भी जीरो आ जाती। तो इस तरह तीनों टर्म जीरो आ गई, यानी कि उनका जोड़ भी क्या आ गया, जीरो, हेंस प्रूफ। तो ये हमारा कंप्लीट प्रूफ है इस पॉइजन आइडेंटिटी का। इसको तैयार कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट बाकी बहुत आसान थी, कल हम करेंगे जेकोबी पॉइजन थ्योरम इससे अगली। और